हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 10 जुलाई को यानी कि कल मार्केट में किस तरीके से हमें काम करना है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म दिखा सकते हैं, और साइड बाय साइड बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी एनालिसिस इसी वीडियो में करेंगे। सो गाइस, हमने देखा था कि आज जो मार्केट में थी एक शॉर्ट कवरिंग आई है, मार्केट ने नीचे तो गया था, उसके बाद वहां से हमने देखा एक शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट ऊपर हायर लेवल्स पर जाके अपनी क्लोजिंग दी है। अब जिस तरीके से तो उसने क्लोजिंग दी है, क्या हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने अपना वो जो बॉटम था वो शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है? क्या वहाँ से हम और हाई लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा ये फॉल्स था कि मार्केट ऊपर जाना, ये हमें ट्रिक करने की कोशिश थी, पर दोबारा कल मार्केट नीचे गिर सकता है? तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी में बना के चलनी चाहिए? निफ्टी बैंक निफ्टी कितना हम कह सकते हैं कि बहुत अलग ट्रेड कर रहा है एक दूसरे से, और अपने सपोर्ट से बैंक निफ्टी इतना दूर है और वो अपने सपोर्ट के पास आ चुका है निफ्टी, तो किस तरीके से काम करना है, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म दिखा रहा है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले 5 स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें कैडिलैक, टीसीएस, ग्लेनमार्क, अदानी पोर्ट्स, कजारिया सेरेमिक्स। तो आप देख सकते हैं कि 2 स्टॉक एक ही सेक्टर के हैं, कैडिलैक और ग्लेनमार्क, जो कि फार्मा के हैं, और मुझे लगता है कि फार्मा है जो अब शायद आउट परफॉर्म दिखा सकता है। अगर मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल रहती है, मार्केट कंट्रोल रहती है, तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म दिखा सकता है इस एक्सपायरी में। तो फार्मा सेक्टर में आपको कॉशियसली अच्छे से ट्रेड लेकर चलना होगा। अब हम बात करते हैं कैडिलैक की, तो कैडिलैक बाय की सलाह दी जाएगी आपको, 230 पे आपको बाय करना है। टारगेट जो आपको एक्सपेक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 235 239 के। आपको मैं पहले बता दूं तो ये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवा रखा है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 225 पे, तो हमारी जो बाइंग थी वो 225 पे ही थी, हमने कॉल ऑप्शन के थ्रू इसको बाय कर रखा है। टीसीएस बाय करने की सलाह दी जाएगी, इसका जो लो है अगर हम बात करें 2122, यहाँ से जो 10 रुपये नीचे है वो उसका हमारा एक चैनल है टीसीएस का, उस चैनल का सपोर्ट है, और वहाँ से हमने देखा था कि वहाँ पर और भी उसमें नीचे गिरावट आई थी पर चैनल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो बाय चांस अगर टीसीएस में आपको कॉशियसली कल ट्रेड करना है, अगर ये आपको 2137 या 2138 के ऊपर मिलता है तो ही आप टीसीएस को बाय करके चलिएगा। अगर ये टीसीएस हमारे चैनल के अकॉर्डिंग चलता है तो शायद टीसीएस 2200 के लेवल तक भी जा सकता है 2 दिन के अंदर अंदर भी। सो टीसीएस में कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस के अंदर 2115 या 2114 के लेवल को क्लोज कर देता है नीचे की ओर, सो आपको फ्रेश शॉर्ट बनाने होंगे टीसीएस के अंदर। सो आपको दोनों तरीके से बता दिए कल किस तरीके से आपको काम करना है। अगर 2115 के नीचे मिलता है तो फ्रेश शॉर्ट, अगर आपको 2135 या 2140 के आसपास मिलता है तो फ्रेश बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2165, और अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो मुझे लगता है 2200 के लेवल भी आ सकते हैं या उसके आसपास आ सकते हैं। ग्लेनमार्क बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, बता चुके हैं जैसे फार्मा स्टॉक अब मुझे लगते हैं कि अट्रैक्टिव हो चुके हैं इस एक्सपायरी के लिए, और शायद ही हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छे से दे सकते हैं। तो ग्लेनमार्क बाय करने की सलाह दी जाएगी। ग्लेनमार्क भी हमने बाय करवाया था पर हमने इंटरडे में अपनी पोजीशन एग्जिट करवा दी थी। 451 के आसपास आपको इसको बाय करना होगा। 455 461 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 451 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करता है तो, क्योंकि 450 ऐसे का हर्डल था वहाँ पर, बार बार हम देख रहे थे उसके आसपास जाता था इंट्राडे पे फिर दोबारा नीचे आ जाता था, उसके ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पा रहा था। सो ग्लेनमार्क 451 के ऊपर सस्टेन करता है, 461 455 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करिए। स्टॉप लॉस आपको 444 का मेंटेन करना पड़ेगा। अदानी पोर्ट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, हम देख रहे थे कि उस अपने सपोर्ट के लेवल से इसने बहुत तेज़ी से रिकवरी दिखाई, और उसके बाद हम कह सकते थे एक इसने अपने पहला जो सपोर्ट तोड़ा था उसके नीचे जब वो गया तो हमने देखा था एक अच्छी खासी डाउनफॉल आई थी कल के ट्रेडिंग सेशन पे, और वहाँ पर उसने सपोर्ट लो के आज फिर बाउंस करा तो अपने दोनों उसके जो सपोर्ट थे वो इसके रेजिस्टेंस बन गए थे गाइस, और वो दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके आज इसने क्लोजिंग दी है। सो ये हमारे लिए एक फ्रेश बाय मुझे लगता है कि बन सकता है, 411 या 413 तक ये आराम से जा सकता है कल या 2 दिन के अंदर अंदर। तो 401 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 410 का पहला टारगेट, 414 का दूसरा टारगेट। अब हम बात करते हैं कजारिया सेरेमिक्स, तो कजारिया सेरेमिक्स में बाय करने की सलाह दी जाएगी। 571-575 तक के भी टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कजारिया सेरेमिक्स के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 561 का मेंटेन करना पड़ेगा। गाइस, आपको पहले बता दूं टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सो आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। जिस तरीके से हुए कि वो चैनल का ब्रेकडाउन तभी आएगा जब वो 2115 के लेवल को तोड़ेगा और चैनल के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। सो गाइस, अभी भी आप इसको बाय करके चल सकते हैं अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आपको 20-30 रुपये का लगाना पड़ेगा पर आपको टारगेट 50 से 60 रुपये या 70 रुपये तक का भी मिल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। पर मेरी तरफ से मैंने अपने क्लाइंट्स को इसमें बाय की सलाह दे रखी है, देखते हैं किस तरीके से कल टीसीएस वर्क करता है।
अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम हो रहा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का ये चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और निफ्टी के चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप पैटर्न बन रहा है। ये एक पूरा कन्फर्म पैटर्न हम नहीं कह सकते, पर जिस तरीके से हमने देखा था कि इसने ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, और यहाँ पर सपोर्ट में हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन के नीचे इसने जाने की कोशिश करी, पर उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। गाइस ऊपर जाके क्लोजिंग तो इसने दे दी, पर हम ये कह सकते हैं ये वीक है अभी निफ्टी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जाके इस आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने क्लोज नहीं करा, तो हम कह सकते हैं कि ये अभी थोड़ा वीक है। हम इसमें फ्रेश बाय कब बना सकते हैं? फ्रेश बाय हम तब बना सकते हैं कि जब ये 11,650 के ऊपर निकलना ट्रेड करता है, या फिर हम फ्रेश शॉर्ट कब बना सकते हैं? जब ये 11,650 के आसपास अगर हमें मिलता है तो। अब किस तरीके से मिलता है भाई, ये देख सकते हैं। अभी हमें ट्रेंड लाइन हटाना चाहूँगा, यहाँ पर कैसे सपोर्ट मिला आप देख सकते हैं। 100 दिन का मूविंग एवरेज है, जहाँ पर निफ्टी गिर गया 100 दिन के मूविंग एवरेज तक गिर गया, और वहाँ पर इसने सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखा दी ऊपर की ओर। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, आप देख सकते हैं कि वहीं पर ही उसी लेवल पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो एक ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी के अंदर बन रही थी। अब मैंने अपने सलाह क्या दी थी, जिस तरीके चार्ट पैटर्न क्या सजेस्ट कर रहा है, अब देख सकते हैं कि यहाँ इस लेवल से इसने हमने देखा था, अब गैप अप ओपनिंग दी थी। ये गैप अप हम कह सकते हैं कि 11,600 से लेके 11,420 तक की थी। ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बाद वो पर्टिकुलर ट्रेड करा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना हूँ तो आप देख सकते हैं। जी गाइस, आप देखिए स्टॉक गैप अप से ऊपर तो गया, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो उसी जो इसने रेजिस्टेंस मान रहा था यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, जो गैप अप हुआ था आप देख सकते हैं सपोर्ट ले लिया। और जैसे ही इसने सपोर्ट तोड़ा, आप देख सकते हैं इस रेंज को तोड़ा, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो रेंज है, यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर इसने यहाँ पर टेस्ट करा फिर नीचे आया, इस रेंज को जैसे ही तोड़ा, यानी कि 11,640 11,650 की रेंज को जैसे ही इसने तोड़ा, हमने देखा कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ से फ्री फॉल भी आ सकता था गाइस। और हमने देखा नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यानी कि 11,650 में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 11,500 हम कह सकते हैं 450 तक का एक सपोर्ट आ रहा है। दूसरा सपोर्ट अगर यहाँ से भी फिसलता है तो क्या सपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर निफ्टी इस जो गैप अप हुआ है इस गैप को कवर ज़रूर करेगा। अगर ये गैप को कवर कर देता है तो हमारे, और उसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू करता है, तो हम कह सकते हैं कि शायद नए हाई भी बन जाए। पर अगर ये गैप अप फिल नहीं करता तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बाद में ये दोबारा नीचे आए गैप को फिल करने के लिए। सो आप देख सकते हैं अगर ये गैप का जो ओपनिंग है, आप देख सकते हैं 11,430, आप इधर देखिएगा मैंने गैप पे लाइन लगा दी, अब देखिए 11,430 11,424 आपको शो कर रहा है। और स्टॉक आया जो इंट्राडे का पर्टिकुलर इंडेक्स का लो क्या था, 11,460, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 पॉइंट अगर नीचे और गिर जाता और वहाँ से निफ्टी बाउंस बैक दिखाता तो हम कह सकते थे कि ये गैप फेल हो चुका है। पर हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली गैप फेल हो चुका है एक तरीके से। सो निफ्टी मुझे लगता है 11,650 के पास जा सकता है, तब तक हमें कोई फ्रेश बाइंग या शॉर्टिंग नहीं करनी है। 11,650 के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम फ्रेश बाय करेंगे, अगर इसके नीचे जाता है तो हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि सेम गैप अप हुआ। गैप अप में हमने देखा था निफ्टी पे कि इसने ये रेंज को, ये जो इसने चैनल बनाया है छोटा सा, उसका ब्रेकडाउन दे दिया और रेंज के पास चला गया था और 100 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर लिया था। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ना इस रेंज को तोड़ा है, आपके लिए देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ना कि इसने इस रेंज को तोड़ा है, यहाँ ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, इसी सब यहीं पर इसने सपोर्ट ले लिया और बाउंस कर दिया। आप देख सकते हैं 100 दिन का मूविंग एवरेज इसका कितना नीचे है, इसने अभी तक इसने 50 दिन के मूविंग एवरेज को बस थोड़ा सा ब्रेक करा था और आज ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करा था और उसके ऊपर जाके ही इसने क्लोजिंग दे दी है। सो अब हमारे लिए किस तरीके से काम करना है, बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से काम करना है, बैंक निफ्टी में अभी हम फ्रेश बाइंग बनाएंगे। फ्रेश बाय है, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है आपको, 30,300 का स्टॉप लॉस, 30,300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी है फॉर अ टारगेट ऑफ 30,900, जो कि इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है और शायद और हायर लेवल्स मिल सकते हैं। पर बाय चांस अगर ये 30,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो भी हम इसको ब्रेक होने के बाद बाय नहीं करेंगे, हम तब भी बाय करेंगे जब ये इसको ब्रेक करने के बाद इस चैनल को भी ब्रेक करता है। क्योंकि अगर ये चैनल को ब्रेक करेगा तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अब देखिएगा
मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, 30,000 को ब्रेक करेगा तो 29,600 तक आ सकता है। ये रेंज टूटती है 30,300 की, तो डाउनसाइड बहुत है और यहाँ से भी बहुत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में आपको 50-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड लेके इनिशिएट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी कल 10 जुलाई की स्टॉक्स और इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो गाइज, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको रिलायंस HDFC पे आपको चार्ट की डेप्थ एनालिसिस समझनी है, सीखनी है, सो मैं आपके लिए एक ट्रेड टॉक की सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैंने आपको दोनों स्टॉक HDFC TCS रिलायंस की आपको ट्रेड एनालिसिस की क्लियर आपको एनालाइज करके सिखाया गया है। और वो ट्रेड टॉक की सीरीज कंटिन्यू रहेगी अगर आप मेरे उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक्स लिखेंगे जिसकी आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। तो मैंने देखा है कि हीरो मोटो कॉर्प और L&T ये दो स्टॉक्स हैं जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक आए हैं। सो अब उसके बेसिस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि L&T की वीडियो बनाना मैं स्टार्ट करूँ, और ट्रेड टॉक पे शायद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो L&T की आएगी। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल के साथ बना रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन होगा आपके चैनल के सब्सक्राइब बटन के नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा चैनल का सब्सक्राइब बटन, साथ में वीडियो हम देख सकते हैं बेल आइकन होगा, अगर आप उसे दबाएंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी वीडियो की और आप सबसे पहले देख के लाभ उठा सकते हैं। सो ऐसी साथ में वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।